नमस्कार, एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट एक तरीके से फिलहाल बीएड कर रहे हैं या बीएड करने की सोच रहे हैं, जिनको एक तरीके से आगे जाकर गवर्नमेंट टीचर बनना है, उन स्टूडेंट्स के लिए आज का जो अपडेट है वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा कल यानी कि शुक्रवार को एक प्रोग्राम बोल सकते हो, उसमें जो स्थिति है उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से स्पष्ट कर दी गई है। अब देखो, काफी दिनों से लगातार एक तरीके से एक उनके द्वारा एक बयान था, वो लगातार वायरल हो रहा था कि अब राजस्थान में रीट परीक्षा नहीं होगी, उसकी जगह कोई दूसरी परीक्षा यानी कि एक ही परीक्षा होगी जिसके द्वारा डायरेक्ट अगर उस परीक्षा को कोई भी स्टूडेंट अगर क्वालिफाई कर लेगा, क्वालिफाई करने के बाद में डायरेक्ट वो गवर्नमेंट टीचर कहलाएगा। ठीक है, अब उस चीज को लेकर तो उस चीज को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। एक तो जैसे कि ई पेपर है, ई पेपर पर भी जारी हो चुका है, साथ में एक न्यूज भी देख सकते हो, दोनों का स्क्रीनशॉट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। उन्होंने बोला है कि ये रीट परीक्षा है, रीट परीक्षा बिल्कुल यथावत रहने वाली है, यानी कि रीट परीक्षा को अब नहीं उठाया जाएगा। जैसे कि मैंने भी आप सभी छात्रों को बोला था बिल्कुल, अब देखो जब भी कोई भी अगर मंत्री इन चीजों के ऊपर कोई भी बयान देता है, देखो मेरी नजर में यह है कि कोई भी बयान देता है या कोई भी मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या कोई दूसरा मंत्री हो, जब भी कोई बयान देते हैं तो उन चीजों को एक तरीके से जो भी स्थिति वहां पर बनती है उन चीजों को उनको यथावत मतलब कि तुरंत उसी टाइम, ठीक है, उसी टाइम उनको क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट रहते हैं साथ में जो टीचर रहते हैं उन चीजों का अलग से मीन निकालते हैं, और ये सब कुछ एक तरीके से उनके बयान के बाद में ही हुआ है कि अब राजस्थान में रीट परीक्षा नहीं होगी। तो फाइनली उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि रीट परीक्षा आपकी होगी, साथ ही में जो टीचर बनने का जो प्रोसेस है उनका मतलब कि उनके द्वारा कहना यह है कि जो टीचर बनने का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल सरलीकरण किया जाएगा, उसको बिल्कुल सरल किया जाएगा। अब वो किस तरीके से किया जाता है, बाकी देखो अभी राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा निर्णय भी नहीं हुआ है कि रीट परीक्षा बंद होगी, ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। वैसे तो मैंने जो लास्ट वीडियोज मैंने बनाए थे उन वीडियोज में मैंने क्लियर भी कर दिया था आप सभी छात्रों को कि देखो अभी उनके द्वारा एक तरीके से बयान दिया गया है, बयान देने के बाद में जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट बैठेंगे, एक्सपर्ट बैठने के बाद में उनकी राय वहां पर ली जाएगी और उसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। तो वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी बोला था आप सभी छात्रों को, अगर कोई मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है तो उन सभी छात्रों को पता होगा, आप सभी छात्रों को पता होगा। अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं कि रीट परीक्षा आपकी होने वाली है। बाकी जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपको बताया कि रीट परीक्षा की जो डेट एक तरीके से घोषित की जाती है, जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो रिजल्ट आने में जो टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को क्या पता कम कर दिया जाए, साथ में एक तरीके से जो पोस्टिंग दी जाती है टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को, उस टाइम पीरियड को कम कर दिया जाए, कुछ ना कुछ सरलीकरण यानी कि कुछ सरल प्रोसेस है वो इस तरीके से किया जाएगा। बाकी जब भी इस चीज के ऊपर कोई अपडेट आएगा आप सभी छात्रों को क्लियर किया जाएगा। आज सुबह से ही ये एक तरीके से ई पेपर है वो वायरल हो रहा था और साथ में एक न्यूज थी वो भी वायरल हो रही थी, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी चुके हो और आपको बिल्कुल क्लियर भी हो चुका है रीट परीक्षा आपकी होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बी एड कर रहे हैं और आगे जाकर सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो देखना चाहते हैं, आप सभी छात्रों को सबसे पहले जो रीट है, रीट क्वालिफाई करनी पड़ेगी, यानी 60% नंबर वहां पर आपको लाना होगा। ठीक है, चाहे फिर वो रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे फिर वो रीट लेवल सेकंड हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।